आज हम कक्षा 10 की गणित का अध्याय 2 बहुपद इसकी प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² + x + 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः एक्स माइनस 2 और माइनस 2x + 4 है तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। एक नियम हम जानते हैं, विभाजन एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं, विभाजन एल्गोरिथम से ये क्या होता है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब ये जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स क्या है, ये देखिए जब हम कोई नॉर्मल सा भाग करते हैं, मान लीजिए 11 को हमने 5 से डिवाइड किया तो ये 5 × 2 = 10 हो गए, यहाँ पर बचा शेषफल 1, तो इसको हम नॉर्मल क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो ये हो जाता है हमारा भाजक कितना होता है, भाज्य हमारा कितना है 11, भाजक कितना हुआ हमारा 5 और भागफल 2 और धन शेषफल हुआ 1, ये तीनों मिलके 11 आ जाएंगे। इसी तरह से इसमें है, जब कोई हम चर पद लेते हैं तो ये पी एक्स होता है, यहाँ पर होता है जी एक्स, ये होता है क्यू एक्स और नीचे जो रिमाइंडर बचता है ये होता है आर एक्स। अब हम इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं, यहाँ पी एक्स कितना दिया है हमें, ये दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² + x + 2 और भागफल यानी कि क्यू एक्स, भागफल इंग्लिश में इसको क्यूटेंट बोलते हैं इसलिए इसको क्यू से शो करते हैं, ये दिया है x माइनस 2 और शेषफल दिया है आर एक्स, ये दिया है हमें माइनस 2x + 4। अब यहाँ पर हम इसमें मान रख देंगे, हमें केवल जी एक्स ज्ञात करना है तो जी एक्स का नहीं रखेंगे, पी एक्स हमें दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² + x + 2, जी एक्स की जगह हम खाली छोड़ देंगे, क्यू एक्स हमें दिया है एक्स माइनस 2 और यहाँ पर प्लस आर एक्स, आर एक्स हमें यहाँ दिया है माइनस 2x + 4। बस अब इनको हम हल कर लेंगे, तो ये प्लस का है यहाँ के माइनस का हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² + x + 2 माइनस ये माइनस का 2x + 4 बराबर जी एक्स गुणा एक्स माइनस 2। अब ये है एक्स क्यूब माइनस 3x² + x + 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2x, ये प्लस माइनस माइनस 4 बराबर जी एक्स गुणित एक्स माइनस 2। अब ये देखिए एक्स क्यूब तो वैसे रहेगा, 3x² भी वैसे रहेगा, माइनस 3x² + x + 2x, ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस और चिन्ह माइनस का बड़ा है तो माइनस ही आएगा माइनस 2, और ये जो x माइनस 2 गुणा में है यहाँ के हो जाएगा ये भाग में और यहाँ पर आ जाएगा जी एक्स। अब इसको हम सिंपली भाग करेंगे x माइनस 2 को इस संख्या से, तो ये तो हमारा हो जाएगा यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा हमारा अंदर एक्स क्यूब माइनस 3x² + 3x - 2। इसको भाग करेंगे, देखिए अब यहाँ पर x अकेला है और ये x क्यूब है तो हम इसको x² से गुणा कर देंगे, ये तो हो जाएगा x क्यूब और माइनस 2x², तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कैंसिल और यहाँ बचा माइनस का x² + 3x होता है। अब हमें यहाँ माइनस x² चाहिए है तो हम इसमें माइनस x से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस x² और ये माइनस माइनस प्लस 2x। अब ये भी घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, घटाते क्यों है क्योंकि जब हम भाग करते हैं तो उसका प्रोसेस से घटाना, अब ये प्लस 3 और माइनस 3 तो ये हो जाएंगे प्लस का 1, प्लस का 1x, अब ये उतारा हमने माइनस 3, यहाँ पर भी x माइनस 3 है यहाँ पर भी x माइनस 2 है तो हम इसको प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से शेषफल बचेगा 0।
जी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पता है जी एक्स बराबर ये जो ऊपर संख्या आई है, ये बहुपद जो आया है ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हमारा हो जाएगा जी एक्स, और यही हमें ज्ञात करना था। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न की टेंशन चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।